आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन कैड। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है कि एनी ड्राइंग और एनी एंटिटी कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो होता है ये 2D होता है और 3D भी होता है, बट जो हम सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं 2D पे मेनली कंसिडर करते हैं। अगर हम 2D समझ गए तो 3D समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D वी हैव टू स्टडी 2D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस विच गिव्स द वे टू मैनिपुलेट द ड्रॉइंग्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि एक रियल ड्राइंग बनाना होगा तो रियल ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसकी साइज बहुत लार्ज होगी, मतलब काफ़ी लार्ज उसकी साइज होगी। या फिर जो सॉलिड ड्राइंग्स होती हैं इन्हें 3D में रोटेट करके देखना होता है, मतलब रोटेट करके देखना होता है कि कैसी हमारी ड्राइंग हुई है, साइड में उसकी कैसी आइसोमेट्रिक व्यू कैसा है। तो ये ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो कंप्यूटर्स में होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है, ओके, और सेकेंड जो है लिमिटेड स्क्रीन होती है उसकी, या फिर लाइक CMM कोऑर्डिनेट मैनिपुलेटिंग मशीन, कोऑर्डिनेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन और प्लॉटर, इनकी जो पिक्सल्स हैं, इनकी जो स्क्रीन है वो लिमिटेड है, और हमें बड़ा सा ड्राइंग इस छोटे से पिक्सल्स पे, छोटी सी एक स्क्रीन पे करना है, तो हमें ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप की होती हैं। जो पहली है वो है ट्रांसलेशन, जो दूसरा है वो है स्केलिंग, और जो तीसरा है वो हमारे पास है रोटेशन, चौथा जो है वो है रिफ्लेक्शन। इसको मिरर भी बोलते हैं समटाइम्स, एंड द फिफ्थ वन इज शियर। ये होता क्या है? ये स्केलिंग में जनरली, मतलब कि एक कोई ज्योमेट्री है दैट इज वाई एंड दैट इज एक्स, और कोई हमारे पास ज्योमेट्री है तो इसकी पोजीशन चेंज करनी है। ये एक्स वाई पोजीशन है लेट ओ की, तो इसकी पोजीशन चेंज करनी है ओ डैश पे, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन का हम यूज करते हैं फॉर कंप्यूटर ग्राफिक, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। स्केलिंग में वी हैव टू स्केल डाउन इन लार्ज शेप और स्मॉल शेप, मतलब कि ये वाई है और ये एक्स है और ये कोई छोटा सा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हैव टू स्केल डाउन इन ए लार्ज शेप और स्मॉल शेप, दोनों के लिए यूज करते हैं स्केलिंग का। रोटेशन का हमने अभी पहले देखा ही था सॉलिड शेप्स के लिए या फिर ड्रॉइंग्स के लिए यूज करते हैं रोटेशन का। एंड रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर इमेज, टू क्रिएट मिरर इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। नाउ शियर मीन्स डिस्टोर्शन इन आइदर एक्स और वाई एक्सिस और डायरेक्शन। तो जैसे कि ये हमारे पास x है और ये y है,
और ये कोई इंटन कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी शियरिंग करनी है, मतलब कि शियर करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। तो ये ए था, ये बी था, तो ये ए डैश, ये बी डैश, तो इसके लिए हम शियर का यूज करते हैं। इन एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन में सेम वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि करते कैसे हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके।